बादलों में जादुई दो फ्रॉक का घर। बहुत समय पहले की बात है, किशनगंज नामक गांव में सुलेखा जादूगरनी अपनी दो बेटियों के साथ रहा करते थे। बड़ी बेटी का नाम चांदनी था तो छोटी बेटी का नाम मोहिनी था। सुलेखा बहुत ही नेक दिल जादूगरनी थी। वो अपने जादू का इस्तेमाल हमेशा दूसरों की भलाई के लिए किया करती थी। सुलेखा हमेशा मुसीबत में आए लोगों की सहायता किया करती थी, जिस वजह से सुलेखा जादूगरनी का बहुत ही नाम था। हर कोई उसकी खूब तारीफ और इज्जत किया करते थे। सुलेखा के होते उस गांव के लोग बहुत ही ज्यादा खुश रहा करते थे। ऐसे ही समय का पहिया धीरे धीरे घूम रहा था। एक बार सुलेखा जादूगरनी बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है, तभी वो अपने दोनों बेटियों को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, चांदनी और मोहिनी मेरी प्यारी बेटियों, मैंने बहुत कोशिश की कि तुम लोगों को भी अपना जादू सिखा दूं, लेकिन मैं इस काम में नाकामयाब रही। मैं तुम दोनों को अपना जादू नहीं सिखा पाई और अब मुझे लगता है मेरे जाने का समय निकट आ गया है। मेरे जाने के बाद तुम दोनों का पालन पोषण कैसे होगा, कौन तुम्हारा ख्याल रखेगा? इसलिए मैंने पहले ही जादुई फ्रॉक का घर बनाकर बादलों में रख दिया था। लेकिन कुछ समय पहले मुझे पता चला कि वहाँ पर एक और जादुई फ्रॉक का घर है, इसलिए अब तुम दोनों बहनों को बादलों में जाना होगा और वहाँ से असली वाला जादुई फ्रॉक का घर लेकर आना होगा। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको कुछ नहीं होगा माँ, आप जल्दी से ठीक हो जाएंगी। आप मुझे बताइए, मैं कौन से जड़ी बूटी पीस कर आपको पिलाऊं जिससे आपकी तबीयत ठीक हो जाए? नहीं मेरी प्यारी बेटी, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने हर तरह का जादू करके देख लिया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। चांदनी बेटी, तुम्हारी बहन मोहिनी अभी नादान है, वो तुम्हारी तरह समझदार नहीं है। अपनी बहन का अच्छे से ध्यान रखना और मेरी तरह ही तुम इस जादुई फ्रॉक घर से लोगों की सहायता करना। ये मेरा जादुई कालीन है जिस पर बैठकर तुम उड़ते हुए बादलों में चली जाओगी और वहाँ से जादुई फ्रॉक का घर लेकर आ जाना। हमेशा खुश रहना मेरी बच्चियों, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। दोनों बहन आपस में प्यार से रहना। इतना कहकर सुलेखा जादूगरनी हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये देखकर दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगती हैं। माँ, माँ उठिए माँ, आप हमें ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। आपके बिना हम कैसे रहेंगे माँ, हमें छोड़कर मत जाइए माँ। आखिर आपके सिवा हमारा इस दुनिया में है ही कौन? उठो माँ, हम दोनों बहनों को आपकी जरूरत है माँ। कोई भी बच्चा अपनी माँ के बिना कैसे रह सकता है? हम आपके बिना नहीं रह सकते माँ। आपने तो अपने जादू से अब तक कितने लोगों की जान बचाई है, अब आप अपनी भी जान बचा लीजिए ना माँ। वापस आ जाइए ना माँ, आंखें खोलिए। दोनों बहनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, लेकिन कहते हैं ना, जो एक बार चला जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। कुछ समय बाद दोनों बहन गांव वालों के साथ मिलकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं और उदास मन से घर आ जाते हैं। घर आने के बाद मोहिनी चांदनी से कहती है, सुनो चांदनी की बच्ची, बादलों में जो लहंगा घर है उसे लेने बादलों में मैं जाऊंगी। मैं तुम्हें अपने साथ वहाँ लेकर नहीं जाऊंगी। माँ हमेशा मुझे बच्ची नादान ना समझ कहकर डांटा करती थी ना, अब तुम देखना उन दोनों जादुई फ्रॉक के घर से असली फ्रॉक का घर मैं कैसे चुनकर अपने साथ लेकर आती हूँ, और फिर सबको पता चलेगा कि मैं कितनी समझदार हूँ। मोहिनी, ये तुम्हें क्या हो गया? माँ के कहने का मतलब वो नहीं था, तुम गलत समझ रही हो। तुम छोटी हो इसलिए माँ ऐसा कहती थी। माँ ने हमसे कहा था हम दोनों को बादलों में जाकर वो फ्रॉक के घर को लेकर आना है। तुम वहाँ अकेली नहीं जा सकती हो, हो सकता है वहाँ तुम्हारी जान को कोई खतरा हो। बस बस रहने दे, आई बड़ी मुझे ज्ञान देने वाली। मुझे अच्छे से पता है कि खतरों का कैसे सामना किया जाता है। मुझे डराने की कोशिश मत कर, मैंने कह दिया ना मैं वहाँ अकेली जाऊंगी तो अकेली ही जाऊंगी, समझी? चांदनी मोहिनी को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मोहिनी चांदनी की बात नहीं सुनती और वो उसे धक्का देकर वहाँ से गिरा देती है और तुरंत जाकर कालीन पर बैठकर आसमान में उड़ने लगती है। कुछ समय बाद मोहिनी बादलों में पहुँच जाती है। वहाँ उसे एक बहुत ही बूढ़ी परी मिलती है। अरे बेटा,
जरा मेरी मदद कर दो, मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है। कृपया करके तुम मुझे अपने जादुई कालीन पर बैठाकर मुझे मेरे घर छोड़ दो। मैं बहुत मुसीबत में हूँ बेटा, मेरी मदद कर दो। तुम्हारा बहुत एहसान होगा बेटी। चल हट मेरे रास्ते से, चल हट बुढ़िया, तूने मुझे क्या समझ रखा है? मैं यहाँ तेरी मदद करने के लिए आई हूँ। चल हट मेरे रास्ते से, मैं यहाँ अपनी माँ का बनाया हुआ बादलों में से जादुई फ्रॉक का घर लेने आई हूँ। मुझे उसके लिए देर हो रही है, मुझे जाना है। किसी और से मदद मांग, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। भाग यहाँ से। ऐसा कहकर मोहिनी उस बूढ़ी परी को फटकार कर वहाँ से भगा देती है और आगे चली जाती है। थोड़ी देर उड़ने के बाद उसे वहाँ दो चिड़िया नजर आती है जो जख्मी हालत में होती है। सुनो लड़की, हम यहाँ कब से किसी के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन यहाँ कोई नहीं आया। कृपया हमारी मदद करो, हम उड़ नहीं पा रहे हैं। तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी, हमारे बच्चे कब से भूखे प्यासे हमारा राह देख रहे हैं। तुम्हारे बच्चे कैसे मेरा देख रहे हैं, उससे मुझे क्या? मैंने क्या तुम सबका मदद करने का ठेका ले रखा है? हटो यहाँ से और मुझे जाने दो। सुनो लड़की, हमारी मदद कर दो, बदले में मैं तुम्हें अपने सारे खजाने दे दूंगी। हमें धन का कोई लालच नहीं है, हमें हमारे बच्चों से ज्यादा धन दौलत जरूरी नहीं है, इसलिए हमारी मदद करो। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत सारे खजाने दूंगी, अब तो तुम मेरी मदद करोगी ना? अरे खजाना? हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं मदद करूंगी। अगर तुम मुझे इतने सारे धन दौलत दोगी तो उससे तो मुझे जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कोई कमी ही नहीं होगी। आओ आओ जल्दी बैठ जाओ मेरे जादुई कालीन पर। मोहिनी धन के लालच में आकर उन दोनों जख्मी चिड़िया को अपने जादुई कालीन पर बिठा लेती है। जैसे ही वो दोनों चिड़िया जादुई कालीन पर आते हैं, तभी वो दोनों बहुत ही खतरनाक चुड़ैल के रूप में बदल जाती हैं। हा 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 हा, बेवकूफ लड़की, पहले तो तुम हमारी मदद नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे ही हमने तुम्हें धन का लालच दिया, तुम तो तुरंत हमारे लालच में आ गई। हा 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 हा, बहुत दिन हो गए, बादलों में कोई इंसान नहीं आया, अब हम दोनों तुम्हारा खून पियेंगे। बहुत दिनों से प्यासे थे हम, इस जादुई कालीन पर तब तक नहीं बैठ सकते थे जब तक तू मुझे खुद से बैठने को नहीं बोलती, इसलिए हमने तुम्हें धन दौलत का लालच दिया। तुझे खाने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। नहीं चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं है, कृपया मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। मैं तो बस यहाँ अपनी माँ का बनाया हुआ जादुई फ्रॉक घर लेने आई हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। हा 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 हा, ऐसे कैसे तुझे छोड़ दे, इतनी मुश्किल से तो हाथ आई हो। वैसे हमने भी तुम्हारी माँ की तरह ही बादलों में जादुई फ्रॉक का घर बना रखा है, मैं तुम्हें वही लेकर जा रही हूँ, वही रख कर तुम्हारा थोड़ा थोड़ा करके खून पीऊंगी, बहुत मजा आएगा। ऐसा कहकर वो दोनों चुड़ैल मोहिनी को दूसरे जादुई फ्रॉक के घर में ले जाते हैं और वहाँ जाकर उसका थोड़ा थोड़ा खून पीते हैं, जिससे मोहिनी वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ चांदनी अपनी बहन मोहिनी को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान थी, क्योंकि मोहिनी को बादलों में कई दिन हो गए और वो अभी तक लौट कर नहीं आई थी। मेरी बहन को तो अब तक बादलों में से जादुई फ्रॉक का घर लेकर आ जाना चाहिए था, इतने दिन हो गए वो अभी तक नहीं आई, कहीं वो कोई मुसीबत में तो नहीं? लेकिन मैं तो बादलों में जा भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि जादुई कालीन तो मोहिनी के पास है, अब मैं वहाँ कैसे जाऊँ? मुझे मोहिनी की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है, अब मैं क्या करूँ, मैं वहाँ कैसे जाऊँ? अगर मोहिनी को कुछ हो गया तो मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? मैं कैसी बहन हूँ? मेरी बहन मुसीबत में है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा सोचकर चांदनी बहुत ही रो रही थी, तभी चांदनी के सामने एक और जादुई कालीन आ जाता है। तभी चांदनी जल्दी से उस जादुई कालीन पर बैठकर आसमान में चली जाती है। तभी बादलों में चांदनी को एक लाचार परी मिलती है। बेटा, क्या तुम मुझे अपने इस जादुई कालीन पर बैठाकर मेरे घर छोड़ सकती हो? मैं बहुत लाचार हूँ और खुद से वहाँ नहीं जा सकती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं,
आइए मेरे कालीन पर बैठ जाइए। ऐसा कहकर चांदनी उस बूढ़ी परी को अपनी जादुई कालीन पर बिठा लेती है और उन्हें उनके घर तक छोड़ देती है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी और नेक दिल हो। तुम्हारा दिल बहुत ही निर्मल है, वरना आज के समय में कोई किसी की मदद नहीं करता है। लेकिन बेटी, तुम बादलों में क्यों घूम रही हो? क्या तुम यहाँ कुछ ढूंढ रही हो? हाँ परी जी, मुझे यहाँ पूरे एक दिन हो गया बादलों में घूमते घूमते, लेकिन मुझे जादुई फ्रॉक के दो घर कहीं नजर नहीं आ रहे। उस घर में से एक घर मेरी माँ के द्वारा बनाया हुआ है और दूसरा घर नकली है। मैं उसी की तलाश में यहाँ आई हूँ। कुछ दिन पहले मेरी बहन भी उसी घर की तलाश में यहाँ आई थी, लेकिन उसका भी कोई अता पता नहीं। बस इसी वजह से मैं परेशान हूँ। पता नहीं वो जादुई फ्रॉक घर कहाँ है। बेटी, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ जाने का रास्ता बताती हूँ। यहाँ से दाएं जाना और फिर बाएं, और फिर वहाँ से सीधी चलती जाना, तभी तुम्हें तुम्हारी मंजिल नजर आ जाएगी। उस बूढ़ी परी के बताए हुए रास्ते से चांदनी उस जादुई दो फ्रॉक के घर तक पहुँच जाती है। तभी उसे एक फ्रॉक घर में से आवाज आती है। चांदनी, आओ आओ, मेरे जादुई फ्रॉक घर के अंदर आओ। मेरे घर के अंदर तुम्हें खूब सारे हीरे जवाहरात धन दौलत मिलेंगे। मेरे घर के अंदर आओ और मुझे अपने साथ ले चलो। चांदनी, मेरे घर के अंदर आओ, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बीमार हैं, जिन्हें मदद की सख्त जरूरत है। अगर तुमने उसकी मदद नहीं की तो वे मर जाएंगे। कृपया मेरे घर में आकर उन बच्चों की जान बचा लो। चांदनी, फैसला तुम्हारे हाथों में है कि तुम मासूमों का जान बचाती हो या धन दौलत को चुनती हो। मुझे धन दौलत का लालच नहीं है, मैं उन बीमार बच्चों को ठीक करना चाहती हूँ। धन दौलत का क्या है, एक दिन तो उसे खत्म ही हो जाना है। लेकिन उन बच्चों की दुआएं हमेशा मेरे साथ रहेगी। मैं उन सभी बीमार बच्चों को ठीक करना चाहती हूँ जादुई फ्रॉक के घर। इतना बोलकर चांदनी दूसरे जादुई फ्रॉक के घर में चली जाती है और उसके अंदर जाकर देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वो घर बहुत ही ज्यादा धन दौलत से भरा हुआ था। तभी जादुई फ्रॉक के घर से आवाज आती है। चांदनी, तुमने धन दौलत का लालच नहीं किया, तुमने बच्चों की मदद करने का फैसला किया। इससे पता चलता है कि तुम ही जादूगरनी सुलेखा की बेटी हो, क्योंकि वो भी हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। अब तुम मुझे अपने साथ लेकर जा सकती हो। हे जादुई फ्रॉक के घर, मेरी बहन भी यहाँ पर आपको लेने आई थी, लेकिन मैं जानती हूँ वो थोड़ी लालची है। कहीं वो लालच में आकर किसी मुसीबत में ना फंस गई हो। मुझे अपने बहन को यहाँ से लेकर जाना है, कृपया मेरी मदद कीजिए। अच्छा, इसका मतलब जादुई फ्रॉक के पहले घर में जो लड़की बेहोश पड़ी है वो तुम्हारी बहन है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ ने इस जादुई फ्रॉक के घर को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बनाया है और अब तुम्हारे अंदर भी बहुत सारी अद्भुत शक्तियाँ आ चुकी है। जाओ और अपनी बहन को बचा कर ले आओ। इतना सुनते ही चांदनी पहले वाले जादुई फ्रॉक के घर में जाती है। तभी उसका सामना उन दोनों चुड़ैलों से होता है और फिर चांदनी अपनी शक्तियों से उन दोनों चुड़ैल को जलाकर भस्म कर देती है और अपनी बहन को होश में लेकर आती है। दीदी, मुझे माफ कर दो, माँ ने बिल्कुल सही कहा था, मैं अभी ना समझूं। और तो और, मेरे मन में लालच भी आ गया था, जिस वजह से मेरी आज ये हालत हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं कसम खाती हूँ कि मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूँगी और दूसरों की मदद भी करूँगी। दीदी, मुझे माफ कर दो। मोहिनी, मेरी प्यारी बहन, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे इस बात की खुशी है। तुम्हें अब माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है। अब चलो, मुझे माँ का बनाया हुआ जादुई फ्रॉक का घर मिल गया है, उसे लेकर घर चलते हैं। इस तरह दोनों बहनें उस जादुई फ्रॉक के घर को अपने साथ घर ले आती है और खुशी खुशी उस घर में रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल चंदा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय।